चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में लगातार यहाँ पर जो पार्टी के दफ्तर होते हैं वो भरे होते हैं कार्यकर्ताओं से। ऐसा ही नजारा कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर उसके लॉन में आप देख रहे हैं। जो कार्यकर्ता आए हुए हैं वो राजस्थान के हैं और जो टिकट को लेकर जो प्रत्याशी हैं अपने समर्थकों को भेजते हैं, लंबे समय से वो टिके हुए हैं, नेताओं से मुलाकात करना चाहते हैं। यहाँ पर अलग अलग वो गुट बनाकर या कहे समूह बनाकर बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। जबकि राजस्थान को लेकर नजरें लगी हुई हैं क्योंकि जो जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है सबसे ज्यादा कांग्रेस की जहां पर वापसी की संभावनाएं हैं वो राज्य राजस्थान है। लिहाजा वहां पर टिकट के जो टिकटार्थी हैं, उम्मीदवार हैं, वो अपना दावा ठोक रहे हैं, अपने समर्थकों को, आम कार्यकर्ता को यहां पर भेज रहे हैं। आम कार्यकर्ता मुलाकात करना चाहते हैं बड़े नेताओं से, उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े नेताओं में शुमार जो नेता, चाहे अशोक गहलोत की बात करें, वो अमूमन मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन बाकी नेता उनसे बचते हैं क्योंकि तब टिकट की दावेदारी की जाती है और शायद वो उनके बस में नहीं होती क्योंकि पार्टी ये फैसला करती है। यहाँ पर ये तस्वीरें, कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? सीकर से। टिकट चाहते हैं आप? बिल्कुल। तो किसी से मुलाकात की है आपने? राहुल गांधी से खुद से, जब सीकर में 25 तारीख को आए थे तो राहुल गांधी से खुद से मैंने मांग रखी। किसी नेता से मुलाकात की है आपने यहाँ आने के बाद? अशोक गहलोत से इनसे करी है ना मुलाकात, पायलट साहब से, गहलोत साहब से। क्या इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर? बस यही देख रहे हैं, लिस्ट निकले तो भाई राहुल गांधी जी ये कह रहे थे भाई एक जीता हुआ चेहरा को एक महिला और युवाओं को मौका मिलेगा, तो हम ये लिस्ट देख रहे हैं भाई हमारा कब मौका मिले। और लिस्ट का इंतजार है इन कार्यकर्ताओं को जो कि यहाँ पर उम्मीदवार भी दावेदारी ठोक रहे हैं और इसके अलावा उनके समर्थक भी। जो राहुल गांधी ने पैरामीटर बना रखा है हमारे नेताजी ने, उसके खिलाफ अगर इस तरह से देंगे तो लोगों में बगावत के सुर साफ नजर आ रहे हैं अभी। लेकिन अभी तो टिकट बटा नहीं, बगावत पहले अभी अभी जो चल रहा है मामला, अभी देखा गया है कि कोई सुरेंद्र चंडाली आए तो उसको दे रहे हैं, तो वो प्रतापगढ़ का रहने वाला है, हमारे एरिया का भी नहीं है। इस तरह से अगर देंगे तो लोगों में भारी रोष है और हो सकती है कांग्रेस बहुत बुरी तरह से आ रहे हैं। और ये जो नाराजगी है अभी टिकट बटे में नहीं, वो नाराजगी भी दिखाने लगे हैं क्योंकि अगर दूसरे को टिकट मिला तो पार्टी हार जाएगी, ये दावा भी कर रहे हैं, बगावती सुर भी दिखा रहे हैं। अलग अलग इलाकों के कार्यकर्ता हैं और अपनी दावेदारी को लेकर यहाँ पर जमे हुए हैं। आप कहाँ से आए? पीलीभंगा विधानसभा से, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। तो क्या दावेदारी कर रहे हैं आप, टिकट मांग? मैं आदराम जी मेघवाल हैं जो कि बुजुर्ग हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि महिलाओं और युवाओं का साथ देंगे, मेरे को लगता है उसके साथ साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद भी जरूरी है। इसलिए वहां पे जो उम्मीदवार है आदराम जी मेघवाल, जिन्होंने बीजेपी का जो प्रत्याशी है इस बार उसको लगातार दो बार हराया है। हम ये देख रहे हैं कि जो खास तौर से राजस्थान के कार्यकर्ता उनकी ज्यादा भीड़ है, तो राजस्थान में ज्यादा संभावनाएं हैं क्या कांग्रेस की? राजस्थान में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं और मोदी जी का विरोध है और कांग्रेस के जो सचिन पायलट का जुनून है और अशोक गहलोत का जो सहयोग है वो कांग्रेस को विजय फहराएगी कांग्रेस के बाद राजस्थान में। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये बताने की कोशिश हम कर रहे हैं कि जो चुनावी मौसम में मिजाज होता है और कार्यकर्ताओं की भीड़ होती है वो नजारा कांग्रेस मुख्यालय के अंदर लॉन में, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा हॉल नहीं है, लिहाजा कार्यकर्ता यहाँ पर लॉन में जमे हुए हैं और अलग अलग इलाकों से आए राजस्थान के ये कार्यकर्ता टिकट को लेकर यहाँ पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं, अपने समर्थकों के लिए टिकट मांग रहे हैं। कैमरामैन विदा ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।